तो हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो फिलहाल इस टाइम पे अगर आप मेरा स्कोर देखोगे तो 13872 है, मतलब लगभग लगभग 14,000 स्कोर होने वाला है। अब एक चीज़ आपको चलो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा 6 की स्ट्रीक लगा था, अभी सोलो में खेल रहा था जस्ट, और यहाँ पर मैं टॉप 2 में एलिमिनेट कर दिया, मतलब कि मैंने अपना स्ट्रीक तोड़ दिया सामने वाले बंदे को, लास्ट वाले बंदे को, उससे टीम अप करके मैं जाके जोन में एलिमिनेट हो गया। भाई जब ऐसे में बिल्कुल भी गुस्सा आता यार, मतलब मज़ा नहीं आता, फालतू में एलिमिनेट करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेरा बैक टू बैक प्लस ही लगता है, ये देखो एक 22 का माइनस भी लगा था, तो कभी कभी माइनस भी लग जाता है। तो आज ना मैं आपको एक डुओ का मैच दिखाने वाला हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड लॉबी आया था भाई, मतलब लास्ट, और ना तो मेरे पास 3 चिप का गन था, एक भी गन नहीं था भाई 3 चिप वाला, लास्ट तक मैं दूसरे गन से खेला था। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यार मैच जो है स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। अब इस टाइम पे हम लोग डुओ में खेल रहे थे और स्टार्टिंग में ही ब्लू जोन बना था और काफ़ी ज़्यादा हार्ड लॉबी भी आया था, तो हम लोग ब्लू जोन में नहीं जा रहे थे क्योंकि बिना मतलब का माइनस वाइनस लग जाता है तो फिर गुस्सा आता है, और फिर 50-60 का माइनस लग जाता है, तो 20-25 का प्लस मिलता है और ज़्यादा माइनस रखता है तो कवर करने में ही 3-4 गेम लग जाता है, तो इससे अच्छा है कि कहीं और लैंड करे। तो हम लोग इस टाइम पे ना इधर के शिपयार्ड की तरफ जा रहे थे, लेकिन इधर भी 3-4 बंदे आ रहे थे भाई। अब किस्मत देखना क्या होता है, मैं इस वाले घर में लैंड करता हूँ लेकिन मेरे को गन ही नहीं मिलता भाई, यहाँ पे देखना, ना तो इसमें गन मिलता है ना किसी और घर में गन मिलता है, अभी देखना। और अभी ना मैं सोलो खेल रहा हूँ और सोलो में मैं 5 से ज़्यादा स्ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, 4-5 से 5 स्ट्रिक लगता है, उसके बाद 6ठा गेम में मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। लेकिन इस वाले मतलब अभी जो दिखाया उसमें बैक टू बैक 6 बुइया हो गया था, क्योंकि लास्ट वाला बंदा खुद एलिमिनेट हो गया था भाई, मैं खुद मतलब अभी क्या करूँ, इस गलती से बुइया हो गया था, नहीं तो फिर अभी, लेकिन उसके बाद वाला गेम में मैं टॉप 2 किया था। तो अभी बात करें तो इस वाले मैच की, देखो मेरे को गन ही नहीं मिल रहा था भाई, थोड़ा थोड़ा इस टाइम पे मेरे को गुस्सा भी आ रहा था। अब चलो ठीक है, ऊपर मिलेगा तो ऐसा मैं सोच के ऊपर जाता हूँ, तो ऊपर में देखना भी क्या होने वाला होता है। ऊपर में भी गन नहीं था भाई, 2 घर घूम लिया, गन ही नहीं मिला यार, और ऊपर से बंदे भी लैंड किए हुए हैं। जब बंदा उतरा रहता है और गन नहीं मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है भाई। तो सक्सेसफुली मेरे को यहाँ पे गन जो है वो नहीं मिला, लेकिन इसके पास ना 2 गन था मेरे टीममेट के पास, तो फिर इससे मैंने एक गन मांग लिया, तो इसने तो मेरे को स्कार दे दिया इस टाइम पे। तो चलो एक बंदा डाउन पड़ा, इसका किल मैं चुरा लिया था। मतलब अभी एक चीज़ आप नोटिस करोगे ना, तो इस वाले मैच में मेरा करेक्टर स्किल चेंज है, देख सकते हो आप लोग, मैं राफेल करेक्टर लगा कर खेल रहा हूँ। मतलब जनरली आपको काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिला होगा, या फिर मतलब 2-4 वीडियो ऐसा होगा जिसमें मैं दूसरा ए राफेल वगैरह लगा कर खेला हूँ, स्टार्टिंग में खेल था, लेकिन अभी राफेल करेक्टर मेरा लगा इस टाइम पे, देख सकते हो। अब यहाँ पे एक बंदा और मेरे को दिखा, तो इस पर हेड मारा था, देन उसके बाद बॉडी बॉडी मार के इस वाले बंदे को भी मैंने डाउन कर दिया था। तो चलो इसको फिनिश कर देते, तो इसके फिनिश होते ही मेरा एमओ भी ख़त्म हो गया पूरा पूरा। तो अभी थोड़ा बहुत लूट वगैरह करने की ज़रूरत है अपने को, तो लूट वगैरह करते हैं। तो इसके बाद ना कोई भी बंदा अपने को नहीं मिला था, इधर कोई बंदा ही नहीं आया था शिपयार्ड में, तो आराम से हम लोग लूट वगैरह किया। और मैंने ACAT परचेस कर लिया था वेंडिंग मशीन से, ACAT चलाने के लिए मैं ये राफेल करेक्टर लगा कर खेल रहा था। तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा जो कि मेरे टीममेट को ही मार रहा था, ये वाला बंदा, तो इसको मैं डाउन कर देता हूँ। ACAT मस्त का ना भाई, 2-3 गोली में बंदा डाउन हो जाता है, अगर आपके पास वो जो अटैचमेंट है ना, जो लगता है मतलब फोर ग्रिप लगता है, एक फोर ग्रिप आता है ना, मार्क्समैन राइफल वाला फोर ग्रिप आता है इसके लिए, तो वो लगाओगे तो रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी फायर होता है, तो बंदा जल्दी से डाउन भी हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं स्टार्टिंग में चलाया था, इस सीज़न बहुत ज़्यादा चलाया हूँ, स्टार्टिंग में यही गन चलाता था, ACAT या तो फिर SVD चला था जनरली, नहीं तो फिर वेंडिंग मशीन से परचेस करके 3 चिप से परचेस करके ACAT परचेस कर लेता था मैं। तो इधर देखोगे तो एक बंदा तो मैंने डाउन करके रख दिया है, और ये वाला बंदा मेरे टीममेट को डाउन कर देता है, जो चलो इसको तो मैंने डाउन कर दिया, और अपने टीममेट को चलो रिवाइव भी कर देते हैं। तो इस टाइम पे मेरे 4 किल कंप्लीट हो चुके, एक का किल आई थिंक मेरे को नहीं मिला जहाँ तक मेरे को लगता है, जिसका किल मैंने मतलब स्टार्टिंग में जिस बंदे को डाउन किया वो बंदा रिवाइव हो गया, उसका किल मेरे को नहीं मिला। और राफेल करेक्टर लगा के खेलने का एक और फ़ायदा है कि आपको किल जल्दी दिला देता है, मतलब किल जल्दी दिला देता है भाई, अब ये सबको पता है, आजकल जनरली लोग यही करेक्टर लगा कर खेलते हैं, बहुत लोग लगा कर खेलते हैं भाई, जो ऐसा गन यूज़ करते हैं वो लोग तो लगाते ही लगाते हैं।
मैं खुद लगा कर खेल रहा था भाई। अभी इस सीज़न स्टार्टिंग में जो सीज़न चेंज हुआ था, न्यू सीज़न आया था अभी अभी ये सीज़न, तो स्टार्टिंग में मैं खुद लगा कर खेल रहा था, क्योंकि ये वाला गन जो है मैं खुद चला रहा था AC-80, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है और जल्दी जल्दी किल जो है वो दिला भी देता है। तो यहाँ पे एक बंदा है, चलो इस पे अभी हम लोग रस करने वाले हैं मिल के। मतलब जब भी हार्ड लॉबी आता है ना, आप चाहे डुओ खेल रहे हो, स्क्वाड खेल रहे हो, जो भी खेल रहे हो, या फिर सोलो भी खेल रहे हो, या फिर डुओ स्क्वाड खेल रहे हो, तो एकदम साथ साथ में ही रह के खेलना, जैसा कि इस टाइम पे हम लोग खेल रहे हैं। देख सकते हो हम लोग डुओ खेल रहे हैं, मतलब कि एक ही साथ चिपक चिपक के खेल रहे हैं, ताकि अगर कोई बंदा अपने को मार दे तो दूसरा टीममेट, मतलब दूसरे टीममेट से कवर भी मिल सके, या फिर डाउन भी हो जाते हैं तो जल्दी से हमको रिवाइव भी मिल सके। अगर दूर दूर रहोगे तो ना तो कवर मिलेगा, और डाउन हो जाओगे तो ना तो रिवाइव मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ एकदम चिपक चिपक के खेलना। पूरे गेम में अगर आपने नोटिस किया होगा तो मतलब हम लोग एकदम चिपक चिपक के ही खेल रहे थे, मतलब एकदम साथ साथ में ही रह के खेल रहे थे, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे एक और मेरे को बंदा दिखा, तो इसको भी मैं फिनिश कर दिया था इस टाइम पे। और इधर के साइड से वो बीमा शक्ति वाले बंदे आ गए थे, जो रेड क्रिमिनल था, जिसको मैं उस टाइम पे डाउन किया था, तो फाइनली उसको फिर से डाउन कर दिया था। अब यहाँ पे एक और बंदा, इसका टीममेट भाग रहा है भाई, इसको एक शॉट तो मारा हूँ, लेकिन बंदा भाग रहा है इस टाइम पे। लेकिन वो वाला बंदा भाई पता नहीं क्या गन चला रहा था, मेरा हेलमेट ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म ही कर दिया है, देख सकते हो। 3 लेवल का हेलमेट है भाई, पूरा ब्लैक हो चुका है। तो इस टाइम पे इसका टीममेट को मारना है अपने को। ये भाग रहा है भाई, रिवाइव करने के लिए भाग रहा है क्लॉक टावर की तरफ। तो चलो एक दो गोली तो मार दिया, एक शॉट आउट पड़ा, दूसरा शॉट आउट पड़ा, बंदा जो है ख़त्म हो चुका है। तो AC-80 भाई 100-100 का डैमेज देती है यार कभी कभी, और तो और मतलब वेस्ट अगर 4 का भी रहेगा ना, तो इतना जल्दी वेस्ट को डैमेज करता है भाई, डैमेज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है भाई। एक गोली 50-60 का लगेगा ना अगर आपका 40-50 का, दूसरा गोली 60-70 का लगेगा, और तीसरा गोली जो मारोगे ना वो 100 के ऊपर का डैमेज देता है भाई, इतना मतलब ख़तरनाक है ये वाला गन। तो यहाँ पे एक बंदे को 2 शॉट मारा, लेकिन मेरे टीममेट ने मेरा किल चुरा लिया इस टाइम पे। चलो जो भी है, 9 किल तो मेरा हो चुका है, और इतना छोटा सा जोन हो गया देख सकते हो भाई, लेकिन 11 बंदे अलाइव है अभी भी। और बंदे तो काफ़ी अच्छे अच्छे आए थे, मतलब हार्ड लॉबी आया था, अच्छे अच्छे बंदे आए थे, सारे रैंक पुश करने वाले ऐसा मेरे को लगता है। तो इस टाइम पे मेरा किल तो निकल चुका है, 9 किल हो चुका है भाई, इतने में आराम से पूरा प्लस मिल जाएगा। तो अभी अपने को होल्ड करने की ज़रूरत है, मतलब वेट करना है और बंदे मरने का, लास्ट में जो एक दो बंदे बचेंगे उनको मार के फिर बुइया करेंगे। तो अभी फाइट तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, एक बंदा स्कैनर भी छोड़ा है भाई, इधर क्लॉक टावर की तरफ फाइट चल रहा है। ये गाड़ी को मैं तोड़ देता हूँ भाई, क्योंकि उस टावर में बंदे हैं, नहीं तो फिर ये गाड़ी लेके इजीली वो लोग जोन में जा सकते हैं। तो उसका गाड़ी मैं तोड़ दिया था, वो बंदे जब उतरेंगे तो उनको मारने का ट्राई करेंगे हम। अब जोन किधर बनेगा कोई आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से उधर के साइड ही बन सकते हैं, क्योंकि घरों की तरफ लास्ट जोन बहुत कम ही बनता है, ओपन में ज़्यादा बनता है। तो मेरे को लग रहा है उधर ही जोन बनने वाला है। फिलहाल तो इस बंदे को मैं एम लगा के मार दिया था, इस टाइम पे डाउन कर दिया था, देखते हैं जोन उधर ही बना भाई। मैं बोल रहा हूँ मतलब ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से आता है, कभी कभी नोटिस किया करो कि जब ऐसा ऐसा सीन रहता है तो जोन किधर बनता है, जनरली किधर बनता है ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादातर टाइम किधर किधर जोन बनता है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत ध्यान लगा के खेलोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जनरली लास्ट वाला जोन अगर घर में कभी कभी बनता है, मतलब 10-20% ही चांस रहता है कि घरों में बने, नहीं तो फिर लास्ट वाला जोन हमेशा ओपन में ही बनता है, अगर घर भी है तब भी, लेकिन कभी कभी घर में भी बन जाता है। वैसा मत बोलना कि घर में भी जोन बनता है भाई, मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ यार कि ओपन भी जोन बनता है, घरों में भी बन सकता है, लेकिन वो 20% चांस है, 80% चांस है कि ओपन में जोन बनेगा। तो फिलहाल इस टाइम पे मेरे 10 किल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अपने को जोन में जाना है, लेफ्ट साइड से जोन में हम लोग, अगर वाल है अपने पास, काफ़ी ज़्यादा वाल थे इसलिए हम लोग ओपन से जोन में जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उधर क्लॉक टावर की तरफ बंदे थे, मतलब राइट साइड में ऑलरेडी बंदा था और इधर लेफ्ट साइड में कोई बंदा ही नहीं था। तो वाल अगर अपने पास ज़्यादा नहीं रहता तो हम लोग राइट साइड से ही जोन में आते, लेकिन यहाँ पे वाल था इसलिए इधर से आ गए। अब यहाँ पे एक और बंदा बचा था, तो चलो इसको भी मैं फिनिश कर दिया। ये वही बंदा था जिसको मैंने उसमें टावर में डाउन किया था, इसके टीममेट को पहले ही इधर मार दिया था। ये दोनों बंदे वही थे जो टावर में बैठे हुए थे। तो फिलहाल मेरा 11 किल हो चुका है इस टाइम पे, और हमको छोड़कर अभी 4 बंदे और बचे, मतलब टोटल 6 बंदे अलाइव है इस टाइम पे, देख सकते हो। तो थोड़ा चलो आगे चलते, इसको लूट वगैरह मारते, थोड़ा बहुत एमओ की ज़रूरत है, क्योंकि एमओ काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी AC-80 ये सब गन चलाओगे तो ज़्यादा एमओ लगता भी नहीं है। और मेरे पास M10 2 चिप वाला था, तो एक चिप इससे मिल गया, तो एक मतलब 3 लेवल का मैं कर लिया।
और भाई मैं ना मेरे ख्याल से मैं 100 रन से एक भी किल अभी तक नहीं किया हूँ, जहाँ तक मेरे को लग रहा है एक भी किल मैं नहीं किया हूँ भाई। 100 रन से 11 किल जो आया वो सब का सब ACAT, और नहीं दो किल स्टार्टिंग में स्कार से मैंने किया था और बाकी 9 किल ACAT से ही किया हूँ। तो अभी तक 100 रेंज का मतलब फ़ाइट हुआ ही नहीं है भाई, एक भी 100 रेंज का फ़ाइट नहीं हुआ। इजीली हम लोग बंदे को मार रहे हैं लॉन्ग रेंज में, और वैसे भी मेरे को ज़्यादातर लॉन्ग रेंज से ही फ़ाइट लेना पसंद है, क्योंकि मेरा 100 रेंज से कहीं ज़्यादा अच्छा है भाई लॉन्ग रेंज फ़ाइट। मतलब 100 रेंज के क्या बोलते हैं उसको, 100 रेंज के मुकाबले में लॉन्ग रेंज मेरा अच्छा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो भी है चलो छोड़ो, अब इनको मैं नेड कर करके भाई कर करके परेशान कर दिया। एक किल तो ले लिया था नेड से ही, अब यहाँ पर एक और बंदा था तो इसको मैं डाउन कर दिया। 12 किल ऑलरेडी है, इसको करके 13 किल हो गया था। और इसी के साथ हम लोगों को बुइया भी मिल चुका था यार, वो भी काफ़ी आसानी से भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आया। इतना ज़्यादा हार्ड लॉबी था फिर भी बुइया कर दिया हम लोग काफ़ी आसानी से। तो फिर यही था यार आज का वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।